चलो हम शुरुआत करते हैं आड़ू के पेड़ से। आड़ू को बोलते हैं पीच, तो ये है पीच ट्री। कितने प्यारे फ्लावर्स हैं उसके, पिंक पिंक से। आजकल मैक्सिमम पौधों में वैसे फ्लावरिंग हो रही है, बट इस वाले में नहीं हो रहे हैं। ये बताते हैं हम ये क्या है। और ये रहे नींबू, जो कि ढेर सारे लगे हैं। और ये रहा हमारा लेमन ट्री। एंड सी, ये रही कोरिएंडर लीव्स, इसे हम हरा धनिया भी बोलते हैं। अरबी के पत्ते और अरबी को बोलते हैं टैरो रूट। बहुत पढ़ाई होगी यार, बस बस फिलहाल इनसे मिलो। ये है मेरी मम्मा, जो कि काम कर रही है पानी देने का। वो क्या है मम्मा, पिंक पिंक? ये तो बता रही थी ऐसे नहीं देते पानी। मैं जाती जैसे देते तो जाने आलू आ रहे हो जाने दे ऐसे देते ऐसे ऐसे करके। मैं नहीं दे रही, कहाँ चले? मैं नहीं दे रही मम्मा। या मम्मा प्लीज मम्मा, कहाँ बस की दे देती हूँ। अच्छा किधर देना है? वहाँ धनिया है ना, ये मैंने सही बताया था सबको। एक गड़बड़ करूं फिर से, आई मीन मार खाने वाले का। मैं भी काम कर रही हूँ। आइए मेरी काम भी मम्मी नहीं फेंक लगे हुई मेरे को फेंका मैंने आपके ऊपर पानी, बताओ क्या हुआ है? ये लो जी बताओ भला, इस बार नहीं फेंका मम्मा, दे दिया मम्मा। अब हो नहीं गया? नहीं। कैसे होते हैं? नहीं फेंका आपके ऊपर, गलती से, सच में गलती से हुआ मम्मा। अरे वाह, ये देखो मुझे क्या दिखा। ये है हरी तीखी मिर्च का पौधा, जो कि इस टाइम सूख के लाल मिर्च हो चुकी है। इसकी जानकारी तो मैक्सिमम को होगी। यस, ये है मस्टर्ड यानी सरसों। सरसों का तेल भी होता है, सरसों का साग भी बनता है। और ये रहे मटर के प्लांट्स, मटर को हम पीस भी बोलते हैं। और ये देखो इसमें भी फ्लावर आया हुआ है, वाह कितना सुंदर है। ये जो सरसों के लेफ्ट साइड में है, ये है लहसुन। लहसुन के नाम से मुझे गार्लिक ब्रेड याद आ गई यार। बाकी सामने सामने लहसुन था। और ये है एक और नींबू का प्लांट। ये भी है धनिया, जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसमें अब वो सूखे वाला धनिया लगेगा जो हम तड़के में यूज़ करते हैं। बाकी है क्यों के प्लांट्स। क्या आप लोगों ने कभी क्यों की सब्जी खाई है? अगर खाई है तो फिर क्यों खाई है? कन्फ्यूज ना, एक्चुअली इस सब्जी का नाम ही क्यों है। क्यों के प्लांट्स में भी फ्लावरिंग हो चुकी है। ये सारे लहसुन के आगे की क्यों के प्लांट्स हैं। हमारे नींबू महाराज जी नहा चुके हैं। बाकी ये सामने जो है ये एलोवेरा, और एलोवेरा को मुझे नहीं पता था हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी अभी मैंने सर्च किया, उसे बोलते हैं घृत कुमारी। ये रहा हमारे खेत का सबसे बड़ा पेड़, खुबानी का पेड़, खुबानी, खुरमानी, एप्रिकॉट। रुको इसका फ्लावर भी दिखाती हूँ। ये रहा, इसमें लगेगी खुबानी, एप्रिकॉट। कभी आपको मिले तो इसे टच करके ज़रूर देखना, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। इसे बोलते हैं बिच्छू कुट्टी, नेटल प्लांट। थोड़ा संभल के पाँव रखो। और बाकी ये वैसे बता ही दिया था मम्मा ने, ये है आड़ू का प्लांट, मतलब अभी छोटा ही है, आड़ू का पेड़ प्लांट जो भी है। कितने सुंदर फ्लावर्स हैं ना इसके। और ये रहा पुदीना, इसे बोलते हैं मिंट। और ये गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा काम आता है, स्पेशली चटनी बनाने के।
चलो चलो अब पांव धो लेते हैं। बाकी यही था हमारा छोटा सा खेत, पापा की मेहनत, मतलब मम्मा पापा दोनों की मेहनत, और इतनी सी जगह में उन्होंने इतना कुछ लगा रखा है, मतलब मेरे लिए तो ये काफ़ी बड़ा है। आई थिंक काफ़ी हो गया है, चमक चुकी हैं स्लीपर्स भी और मेरे पाँव भी। अरे अरे, मेन चीज़ तो दिखाना ही भूल गया आपको, और ये है इतना 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 लंबा गन्ना, शुगर केन कम से कम एक फ्लोर के बराबर। देखो नींबू, पता नहीं कैसे टूट गई थी टहनियाँ, अब हम ले आए, आज बनाएंगे हम नींबू पानी। और ये है एक और खुबानी का पेड़, खुबानी खुरमानी जो भी बोलते हो आप, और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, ये दूसरी तरफ लगा है। ये देखो एक और मिला मुझे पत्थर चट के पत्ते का, ये है पत्थर चट का पत्ता, और ये उसके फ्लावर्स जो उसने दिखाए थे वो वहाँ पे है। ये है स्ट्रॉबेरी का प्लांट, और ये देखो इसमें भी फ्लावरिंग हो गई है, ये देखो जब इसमें अब स्ट्रॉबेरी लग जाएगी तब दिखाऊंगी। ये जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट था ये एक्चुअली मामा के फ्रेंड ने दिया था, मैं और मामा उनके घर गए थे एक बार, तो मैं जस्ट उनके प्लांट्स देख रही थी, मुझे अच्छे लग रहे थे, तो उनके गमले में स्ट्रॉबेरीज लगी थी छोटी छोटी दो, फिर आंटी ने ये दूसरे वाला मुझे दे दिया सारा का सारा, तो आंटी और आंटी की बेटी ने नोटिस किया होगा और उन्होंने ये प्लांट मुझे दे दिया, थैंक यू आंटी। ये देखो ये वाला रूम जो फर्स्ट नंबर पे है, कभी हम यहाँ पे रहा करते थे, मतलब तब कोई 4-5 साल की थी जब हम यहाँ पे रेंट पे रहते थे। आज ऐसे ही शाम को घूमते घूमते आए मैं और मम्मा, तो यहाँ कुछ काम था, तो फिर पुरानी यादें ताज़ा होगी, मतलब मेरी तो नहीं मम्मा की। ऑब्वियस है मुझे कुछ खास याद नहीं है, मतलब हल्की हल्की सी झलक है माइंड में, मैं कुछ ही महीनों की थी जब यहाँ पे आ गए थे मम्मा मुझे लेकर, मतलब पापा यहीं पे जॉब करते थे हमेशा से, फिर मतलब थोड़ा सा बचपन मेरा यहाँ पे भी गुजरा है 4-5 ईयर्स तक आई थिंक।